ये देखो यहाँ पे हैं दोनों हाथी, देखो पूरा हाथी ट्राइपॉड में कंचरे भागा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव रावत, आप देख रहे हैं सुखदेव रावत ऑफिशियल और स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। मैं आ चुका हूँ आज देहरादून गाँव से, मैं दो चार दिन पहले आ गया था देहरादून, आ चुका हूँ यहाँ पे। आजकल बहुत अच्छी धूप धूप खिली रहती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है। आज मैं कोचिंग भी नहीं गया, ड्यूटी पे भी नहीं गया और आज हम जाने वाले हैं सोंग नदी के साइड, वहाँ बहुत अच्छी एडवेंचरस राइड करने को चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे आपको हाथी बाघ वगैरह बहुत कुछ चीज़ें रहते हो। बाघ तो खैर मिले ना मिले पर हाथी ज़रूर दिखाएंगे आपको, तो चलते हैं सोंग नदी के साइड जाने वाले हैं। बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आई होप सो। तो चलते हैं, थोड़ी देर में फ़ोन चार्ज कर लिया, ये जो माइक है ना वो चार्ज नहीं कर पाया मैं ढंग से, माइक की आवाज़ अच्छे से भी नहीं आ रही है, तो अपना सारे गैजेट्स वगैरह रखते हैं और फिर चलते। तो हो चुके हैं हम जाने के लिए रेडी और मैंने स्वेटर रख लिया है, वो उसको अंदर बंद कर रहा है, खोलना उसको, नहीं इसको बंद कर दिया अंदर, कहाँ गया, आ जा ये रोने लग गया इधर देख चल। तो ये जाएगा ट्यूशन, ये ट्यूशन नहीं जाना चाहता इसलिए हमारे साथ आने के लिए बहाने बना रहा है, तो इसको जाना है ट्यूशन और हम चलते थोड़ा घूमने के लिए। बहुत अच्छे खेत हैं यहाँ पे हमारे पहाड़ों में ना, पहाड़ी नुमा खेत होते हैं और यहाँ पे ये बहुत ऐसे मैदानी क्षेत्रों के खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, इसलिए अच्छा लग रहा है इन खेतों के बीच जाने में ना। ये देखो इधर साइड में इतनी अच्छी है सरसों हो रखी है, वहाँ पे फूल इतने अच्छे हो रखे हैं, आगे इतना अच्छा व्यू है। हम जा रहे थे उधर घूमने के लिए और तब तक मेरे को दीदी मिल गई है, अन्नु को छोड़ने के लिए गई थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल गई, हमें जाने नहीं दे रही थी तब से। हम जा रहे चल ना भाई, जा रहे हम ठीक है घूमने इधर सोंग नदी के साइड ये ना, ये हमको उधर जाने नहीं दे रहे थे अभी, इसने हमको गाड़ी भी नहीं दी स्कूटी, तो हम ऐसे पैदल निकल लिए। हाँ हुआ किस 305757 ठीक है मेरे फोन का पास, अरे मैं मैसेज कर दूंगा बहन। तो अभी चलते हैं, इनको ना फोन के बारे में बहुत झगड़े होते रहते हैं भाई, ये फोन छोड़ता नहीं है, वो भी फोन छोड़ती नहीं है और फोन के मतलब क्या ही बोले अभी, फोन देख चल मम्मी का फोन देख, अरे फोन ही नहीं दे रहा भाई। तो फाइनली इनका झगड़ा तो निपट गया है, और ये और इसकी मम्मी तो चली गई इधर, तो चलिए अभी हम चलते हैं। तू कहाँ जा रहा है, तू इधर तो आ, इतनी झगड़े करते भाई ये बोबो। सूरज छिपने वाला है अभी और हम जा रहे हैं वहाँ पे, और एक देखो इतने घने घने जंगल है यहाँ पे बाला वाला की साइड पे, पुल देखो पुल बहुत अच्छा है भाई। तो जहाँ से हम आ रहे थे भी बहुत सड़ियाँ आ रही है वहाँ पे, पता नहीं क्या मर रखा है इधर ना, कुछ ना कुछ मरता रहता है, और वहाँ पता नहीं कुछ क्या फेंकते हैं, ये काटेगा तो नहीं भाई, कैसे देख रहे है वो, अरे वो खुद ही डर रहा है भाई, रास्ता तो अच्छा है भाई, जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ देखने के लिए तो अच्छा है, पर इधर हर जगह पे हर दो कदम पे कुछ ना कुछ मर रहा है भाई, ऐसे बदबू आ ही रही है हर दो कदम पे कुछ ना कुछ मर रहा है, ऐसे बदबू मतलब सड़ियाँ बोलते सड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आगे रास्ता बहुत अच्छा, अरे भाई वो क्या है भाई, कुछ बाघ भूख ना आ पता जाएगी ऐसे में, मेरे को तो भागने भी नहीं आता इतना तेज। वैसे हम अपने स्कूल टाइम पे मतलब 100 मीटर का वो था, 100 मीटर रनिंग का मास्टर, जैसे हमारे पहाड़ों में हम घूमते हैं ना तो अच्छा लगता है, घूमते हुए जाओ कहीं मतलब बदबू नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे देखो मतलब ऐसे दो कदम चले नहीं इधर फुगान इधर सड़ियाँ पता नहीं क्या क्या आ रहा है, कोई बोलेगा क्या बोल रहे सड़ियाँ फड़ियाँ अपनी भाषा है भाई, क्या कर सकते हैं क्यों। तो वैसे पहली बार हमको यहाँ मोर दिखा है वहाँ पे, और चलते थोड़ा मोर दिखाते हैं, पहली बार मैं सामने पे मोर देखने वाला हूँ, वैसे तो मैंने मैंने जू में देखा है,
चिड़ियाघर में देखा पर सामने पे कभी नहीं देखा। चल तो कहाँ पे? ओ भाई कैसे जगह लेके आ रहा है। तो आले आले कहाँ गया भाई? मनीष आ दिया क्या? वो गए। ये गया। अरे यार भाग गया हो तो गया हो तो यार। तो मयूर साहब तो दिखे नहीं, मयूर तो भाग गया। तो कितना तेज भाग रहा भाई, दो पैर तो भाग रहा भाई, ऐसे उड़ नहीं रहा, भाग रहा है खाली। मामा हाँ वीडियो बना रही है इसका, इसने वीडियो बना रखी, मेरे कुछ ज्यादा है, दिख ही नहीं रहा। ये क्या है? तो बाद में देख लेंगे। अरे यार क्या अच्छा, अगर हम आराम से जाते ना एक अच्छा शॉट मिल जाता उसका, मजा आ जाता। मतलब कि और होंगे इधर हैं, आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाथी भाई बाघ वाघ नहीं मिलना चाहिए माँ कसम। ये देख इधर कितने पैरों के निशान है इनके। पक्षी भाग भूख मत बोल दो, बस भाग नहीं मिलना चाहिए। तो इधर बहुत शिकारी कुत्ते भाग रहे हैं, इन्होंने भाई डरा दिया था हमको। ये क्या है भाई, उन्होंने डरा दिया था। ये देखो कैसे कैसे धूल धूल उड़ा दी उन्होंने यहाँ पे। और उधर से चल रहे हेलीकॉप्टर, गया कहाँ ये? वैसे कुत्ते भी ऐसे झपट्टा मार रहे हैं भाई, जैसे कि कबड्डी खेल रहे होंगे हमारे साथ। चलते हैं आगे पे। भाई धूल ऐसे हो रखी, नीचे देख, नीचे देखो, ये देखो इतनी बारीक धूल हो रखी ना, ऐसे पैर पड़ते ही धड़ाक से ऊपर आ रही है। चलते हैं अभी आगे की तरफ। सोंग नदी का मनोरम दृश्य आपको दिखाया जाए। भाई नदी नदी के नाम पे यहाँ सिर्फ पत्थर है, और खुशबू के नाम पे सिर्फ खुशबू के नाम पे सिर्फ वो क्या बोलते हैं, सड़ियाँ आ रही है। सबसे अच्छा तो हमारे पहाड़ों में है भाई। सोंग नदी तो हम पहुँच चुके हैं, लेकिन सोंग नदी यहाँ पे नदी के नाम पे पत्थर और उधर वो सड़ियाँ आ रही है बस। बाकी इधर तो नहीं है बदबू, इधर नहीं आ रही है। ऊपर इतने अच्छे खूबसूरत पहाड़ हैं यहाँ पे, ये इतना अच्छा सा नदी तो है नहीं, पर मैदान जैसा हो रखा है, बीच जैसा, बिना पानी का बीच। यहाँ पे लोग अभी खच्चर मच्छर सब लेके आते हैं। अरे देखो ये हमारे नवाबजादे, और ये इधर की, ये तब हो गया था जब क्या बोलते हैं, अभी रानी पोखरी का पुल टूटा था ना, तो जिस टाइम पे बाढ़ आए थे उस टाइम पे ये इसका एरिया और ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। ये देखो दूर से वहाँ दिखाई दे रहा, और ये इधर तक पूरा इतना लंबा चौड़ा एरिया इसने कवर करा, बह गया था ना इसलिए बादल फटा था वहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी मवेशियाँ बह गई थी, उनकी बकरियाँ तक इधर बह के आई थी भाई। लोग इधर से बकरियाँ पकड़ के घर लेके गए, लोगों के मजे हो गए, किसी की पूरी मवेशी लूट गई और लोग इधर इधर से बकरियाँ बकरियाँ उठा के लेके चले गए। कर भी कह सकते हैं, ऐसे मरने के लिए छोड़ते तो फिर कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा खा लो बकरियाँ खा लो। गाइस फाइनली हमको नदी मिल चुकी है, सोंग नदी। इतनी तड़कती भड़कती नदी है हमारी, जिसने इतनी तबाही मचा दी थी। अभी हम उस नदी को देखने जा रहे हैं, आपको दिखाने वाले कितनी भयंकर नदी है भाई। इतनी बड़ी नदी तो हमने आज तक देखी नहीं,
गांव में भी नहीं देखी इतनी बड़ी नदी। तो गांव में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, ढलानों से पानी सीधे नीचे नदियों में आता है, तो फिर भी इतना पानी हमने कहीं नहीं देखा जितना पानी इस नदी में है। ओ भाई क्या पानी है भाई, दिखाते हैं एक मिनट। तो गाइस यहाँ पे मच्छियां मार रखी हैं और पानी दिखाते हैं आपको, ये देखिए इतनी भयंकर नदी है भाई, पैर धो सकते हैं हम। वैसे देहरादून में इतना साफ पानी एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट मिला है हमको इतना साफ पानी। देखो मिट्टी में ना अभी पैर बहुत बेकार हो गए थे। कितना गर्म पानी है भाई आजकल ठंडियों में भी। गांव की जैसे सुकून की तलाश में हम यहाँ पे आए थे, सुकून है यहाँ पे अच्छा सा। उधर खच्चर वच्चर चर रहे हैं, चर नहीं रहे मतलब वो रेत बजरी वगैरह के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे नदी का पानी बहुत कम है, बल बिल्कुल साफ है। जैसे रिस्मनागर रहता है ना बहुत गंदा, वैसा नहीं है, बहुत साफ पानी है इसका। और सनसेट होने वाला है अभी, हम चलेंगे घर। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत सुकून था कि अभी चलते हैं घर। बाघ वाघ तो कुछ दिखा नहीं, हाथी वाथी कुछ दिखा नहीं, एक मोर दिखा था बेचारा, वो भाग गया। तो अभी घर चलते, क्या पता रास्ते में जाते टाइम कुछ दिख जाए अच्छा सा। तो चलते हैं, आगे का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। हमने कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करी पर नहीं बन पाई अच्छे से। अभी चलते हैं घर की तरफ। वहाँ पे ऐसा कुत्तों का इतना बड़ा झुंड है भाई, वो ऐसे अगर एक साथ टूट गया ना हम पे तो गए हम तो आज। घर चलते हैं अभी, अभी फिर उसी रास्ते जाना पड़ेगा। फालतू में आया मैं साढ़े आठ सौंपने के लिए। तो चलते हैं घर अभी। तो घर के लिए तो हम निकल गए पर हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा कि हम कहाँ से आए थे। इधर सब एक जैसा दिख रहा है, रास्ता ही नहीं मिल रहा कहाँ से जाना है। अरे ये देखो पत्थर ऐसे हैं, इसमें तो रास्ता भी कहाँ से देख रहा है। चल तो है कहीं पे। तो गाइस घर के लिए तो हम निकल गए, अभी फिर से इस जंगल में एंटर करने वाले हैं। बहुत भयंकर जंगल है देखो, ये देखो अभी यहाँ से रास्ता है, उसके अंदर अंदर से पता नहीं कहाँ कहाँ निकलता है। और ऊपर बदबू बदबू इतनी आ रही है यार। छह ये देखो सोंग नदी उधर छूट गई, अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे घर पे। रास्ता तो बड़ा भयंकर है, ऊपर देखो आफत आ गई, आफत तो नहीं आई, तो अंधेरा होने वाला है ना, उधर जाने में डर लग रही है। चलते हैं अभी, तो पहुंच गए हम ऊपर पे। और यहाँ है बदबू का अड्डा और वो मरी हुई गाय। BMW अरे ये किसी की BMW यहाँ पे। यहाँ तो बिल्कुल अच्छा खासा उजाला लग रहा है यार, है ये तो अच्छा खासा उजाला लग रहा है, मुझे लगा रात हो गई। तो गाइस हमें वहाँ पे हाथी दिखा है, इतना बड़ा वो पेड़ तोड़ने पे लगा है भाई, दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे हैं दोनों हाथी, देखो एक एक कमर दिख रही है भाई, आगे नहीं जा सकते हम इससे आगे। वो देखो अभी अंधेरा होगा, ढंग से भी नहीं आ रहा यार। इधर हड्डियाँ बहुत है भाई, ये देखो वो देखो दोनों की दोनों भाग गई इधर, वो गई। चल भाई ओए और आते ट्राई पूरी में कंचरे मैं भागा मैं भाग इसकी वीडियो क्यों नहीं बनाया हेलो। तो कैसे भाई पीछे से इसने हाथी का आवाज दी और वो पीछे भाग गई थी। और ये लड़के लोग बोल रहे कि परसों उसने एक आदमी को यहीं पे मार दिया था, पर ढंग से निकल गया हम वहाँ तो मरवा देता है आज। अभी घर और ये भी मर गया। अरे भाई सबको हो गया आज भाई, वो पागल आते वो पीछे पड़ गया था। उसने परसों किसी आदमी को ना वहाँ पे जान से मार दिया था, जान से मार के अपनी
पैर से कुचल के उसके हड्डी हड्डी तोड़ दी थी उसने। दो नंबर करने जा रहा था बड़ी मुश्किल से बच के आ रहे भाई। जब वो भागने के लिए आया मैं वीडियो ही नहीं बना पाया, वो फोन पता नहीं कहाँ रख दे जी, मैं भागने पे ऐसे जोर लगा रखा था भागने पे, बाद में पता चला वीडियो तो बना ही नहीं, उसने थोड़ा सा बनाया, उसमें आवाज़ दे रहा उसको ए हाथी बल, जब वो भागा नवाज से दोनों ऐसे डर के मारे भाग के घर आ गए हम। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अरे धर लगा वो हाथी बल अब कह रहा हूँ भागी हो बेटा यार, देख वीडियो बनी एक भगवान का भगवान का भी जाना नहीं जाए देख।